back to my new vlog. आज थर्सडे है और हम लोग रेडी हैं. मैं और ये जाएंगे अभी बाजार. आपने नहीं जाना. और आरुष और गुन्नू स्कूल से आ चुके हैं. अभी टाइम मेरे ख्याल 3 बजे का हो गया, 2:45. ये 2 बजे आ जाते हैं दोनों बच्चे. एक 12:30 आ जाता है, दूसरा 2 बजे. और बच्चे आ गए हैं इसलिए अब हम फ्री हैं. और कल से ये जाएंगे काम पे. और आज का दिन है मेरे पास. जो भी सामान लेना मैं वो आज ही ले आऊँगी. अभी राशन लेने जाना है. धीरे धीरे सामान याद आएगा क्या क्या लेना. वैसे मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, अभी बनाती हूँ. राशन सारा कुछ पूछेगा पूरी डिटेल से. और गुन्नू भी बहुत जिद कर रही थी कि मैंने जाना है. मैं इसको साथ नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि स्कूटी पे जाना है, सामान भी लाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा बच्चों के साथ. सारे घर पे ही हैं बेटे. आप भी घर पे हो और गुन्नू दीदी भी घर पे हैं. तो चलो गाइस फिर चलते हैं मार्केट. तेरी बड़ी हंसी निकल रही है. इधर आओ. हाँ आपको दिखा देती हूँ. हेलो गाइस बोल दो पहले. इधर आओ. चलो आप बोल दो. हेलो गाइस. उठ जाओ. बीमार. ये बीमार हो गए थे. इनकी तबीयत खराब हो गई थी. वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह हो चुके थे इनको. अभी ठीक है थोड़ा, तो अभी मैं इसलिए लेके जा रही हूँ. उठ उठ बोल अब. हेलो गाइस. हेलो गाइस. क्या कैसे हो आप सब? कैसे हो? ये लो, बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है. अच्छी लग रही है. अच्छा तो बैठ जा. इतनी बड़ी वीडियो थोड़ी बना रहे हैं. इसके नाक के अंदर ना जख्म हो गया यार, तो बड़ी पेन हो रही है बेचारे के. खुद ही बोल रहा है कि बोल दो वीडियो में. इसके नाक के अंदर जख्म हो गया और बहुत पेन हो रहा है ना. ऑयल लगा दूं यहाँ पे? छोटा सा नाक है उसके अंदर ही जख्म हो गया एक, है ना. लगा देती हूँ मैं. और कपड़े वॉश किए थे कल, अभी तय लगाने हैं. अभी ऊपर रूम में भी रखे हैं, वो भी तय लगाने के लिए रखे हुए हैं. आके तय लगाएंगे. यार कुछ खवा दो यार, खा लेते. फुल्का बन गया है काला. बेटा हाथा छुड़ाओ. हम आ चुके हैं अब डी मार्ट. आप देख सकते हैं गाइस स्टील के बर्तन और विद प्राइस लिखे हुए हैं. और ये मैं कटोरी के प्राइजेस भी आपको साथ के साथ दिखाती जा रही हूँ. हर चीज़ के रेट वहीं पे लिखे हुए थे. अगर आप डी मार्ट आए हो तो आप एक बार यहाँ पे स्टील के बर्तन ज़रूर देखिएगा. बहुत ही हैवी में था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे. लो यार आप आसमान लेता तीन बजे से आए हो. कुछ भी नहीं लान देंगे. हाँ लो की पा रहे हो. चावल चीनी पा रहे हो? हाँ पा लो. मैं दाल पा रही हूँ. क्या भाई अद्धा किलो दे दाल. किलो तो आएगा सारा. बहुत बहुत डेढ़ किलो तो उत्ते हो गई है. नेरा भी हो गया है ना. तो गाइस हमने सामान ले लिया है. ये बिल बना है. हूँ अजय कह रहे कुछ खाना है. पता है तो कितना महंगा खाना पीना है. चुप करते ना कह रहे चलो. नहीं हूँ सामान लेता तो लगन गई 750 की. तो तुझे तेल की बोतल ही होगी. एने नलायक है ना. 20 रुपए बचा बीमारी करो पापा. कुछ खाना है? अपन चलिए बच्चे डीक दे. चलो जल्दी. सो गाइस हमने सारा सामान ले लिया है. मेरी जुबान एकदम ठंडी होगी. मेरी आवाज ही नहीं निकल रही भाई. और घर जाके बनाना की है. सब तो बड़ी टेंशन. नमक वाली खा लेंगे. इतना सामान ले आके नमक वाली खाएंगे. जाओ यार दूध दे. बुद्धू रहेंगे. मैगी खावांगे, खिचड़ी खावांगे. बाय बाय डी मार्ट. बाय बाय. हम लोग जा रहे हैं.
प्रॉब्लम हो ही रही है, पागल करता है, अगे तो नहीं आना। पर बस ये है कि इतने बहुत गड्डियां निकल रही है, रोड है ना ज्यादा बोलिए ना झाड़ियां मूव करवा दो। शट अप। छोने मम्मा आ गए हैं, उठ जाइए। कितना हो गया? 6:05 और मेरे बच्चे छोटे छोटे सुते पए ने। पापा सब्जी की बनाइए। जी तो मेरा कुछ भी नहीं कर रहा बना। नून मिर्चा बना ली है, है? हाँ भी ठीक है, प्याज टमाटर का मसाला बना लेने है ना। मेनू चावल दिते नहीं गए? ना 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 ही खाओ। नहीं खाओ। वैसे मेनू मना भी है गया है ना। अरे अरे तूने बाल बहुत सुंदर कर रखे हैं आरिश। हाँ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है यार। तो किसने किया ये? मैंने। है? आपने किया? मम्मा ने। मैंने दिखाई है, दिखाई है। हाँ तो सही। मैंने काटा। दिखाई है? जब ये छोटा हूँ तो उसे पैम ही करते थे ना। हाँ। आज कितने दिन बाद मैंने करवाई है। सुबह स्कूल भी ऐसे करके जाना ठीक है? क्यों? कल किस बार की छुट्टी है यार? किस बार? किस बात की छुट्टी है? सो गाइस रात का 12:30 का टाइम है। 12:30 हो गए हैं और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। ये सो गए हैं, वो देखो वो सोए पड़े हैं। ये गुन्नू और आरुष बाहर है पापा के पास, मतलब अपने नानू के पास। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिवाली की ड्रेस। वही टक्या गया। तो ये मेरी ड्रेस है जो कि मैं दिवाली पे पहनने वाली हूँ। ये मैं ना करवा चौथ के लिए लेके आई थी 2 ड्रेसेस, लेकिन मैंने एक ही पहनी, एक पहनी ही नहीं है। ये मेरी है चोली और ये लहंगा कम साड़ी स्कर्ट है इसके साथ, और ये है साड़ी का पल्लू ये वाला, और ये मैं पहनूंगी दिवाली पे। मैंने सोचा आपको दिखा ही दूँ यार, इतने दिन हो गए ऐसी पड़ी हुई मैंने रखी हुई है। आज मेरा मन किया कि मैं आप सबको दिखा ही दूँ। अच्छी है ना मेरी ड्रेस, देखिए कैसे जगमग जगमग कर रही है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये। बैग से मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है ये, बैग से ऐसी है। सो गाइज ये मेरी ड्रेस थी, आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो मेरी बेटी है, इसको तो अच्छी लगेगी है ना। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्या क्या किया आप सबको पता ही है, क्या क्या किया। सब्जी बनाई आके थक गई थी बहुत ज़्यादा। एक गिफ्ट लेके आई थी उसमें ना थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ गई थी, थोड़ी पॉलिश वगैरह उतरी थी, तब तो मैंने देखा नहीं और मैंने आज देखा। मैंने इनको बोला कि चलो चेंज करवानी सुबह, तो डी मार्ट से आके सब्जी बनाई, सब्जी बना के फिर हम लोग चले गए चेंज कराने के लिए। और शर्ट भी नहीं उतारी है और नाइट सूट ऐसी चली गई थी जैसी हूँ ऐसी चली गई थी मैं। तो बस आके खाना वगैरह खाया और टाइम हो गया है अब ये 12:30। अब वीडियो की एडिटिंग करूँगी फिर कल सुबह पोस्ट करूँगी, तो आप सबको कल ही मिलेगी देखने को। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो गाइस बाय, मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में।